आज आप लोगों के लिए एक बना रहे हैं डिफरेंट किस्म का मीठा, जिसमें दो चीज़ें इकट्ठी इस्तेमाल होंगी। इसका नाम है सेवैया और कस्टर्ड का मीठा। तो सबसे पहले आपको चाहिए इसके लिए मिल्क, यानी कि दूध। मैं फुल फैट मिल्क इस्तेमाल कर रही हूँ। बीच में जाएगी डबल क्रीम, ये आपको आसानी से पैकेट्स में मिल जाती है। चीनी यानी कि शुगर, जो चीज़ें इसमें इस्तेमाल हो रही हैं डबल का जायका देने के लिए, वो कलर्ड सेवैया इस्तेमाल कर रही हूँ मैं यहाँ पर, यानी कि वर्मिसेलीज हैं कलर्ड वाली। कस्टर्ड अपने पसंद का आप कोई भी फ्लेवर इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रूट कैन आपको चाहिए होगा, इसका जो सिरप है वो आप डिस्कार्ड कर दें और सिर्फ इसका फ्रूट हम इस्तेमाल करेंगे। बीच में जाएगी जेली, दो किस्म की मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे, स्ट्रॉबेरी है और पाइन एप्पल है। बीच में जा रहा है वनीला एसेंस, पिस्ताशियोज और आमंड, यानी कि पिस्ते और बादाम जाएंगे। देसी घी भी जा रहा है, तो आपको दिखाते हैं इसको बनाना किस तरह। घी को कर लिया मैं यहाँ पर गर्म और ये मेल्ट भी हो रहा है। इसी में आप ऐड करेंगे जो कि आपकी कलर्ड वर्मिसेलीज हैं, यानी कि सेवैये, और इसे जो है आपने हाई फ्लेम पर 1 से 1.5 मिनट के लिए तकरीबन जो है अच्छे से भून लेना है। अच्छे से आपने इसको भून लेना, आपको बड़ी एक अच्छी सी इसमें से खुशबू आनी शुरू हो जाती है। उसके बाद यहीं पर ला करके अब आप ऐड करेंगे जो कि आपका यहाँ पर घी है। दूध चला गया बीच में, बीच में ऐड करेंगे जो कि चीनी है यानी कि शुगर, और इसे आपने हाई फ्लेम पर तब तक कुक करना है जब तक कि चीनी कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डिसॉल्व। उसके बाद आपने जैसे इसमें जोश आएगा आपने इसे लो टू मीडियम पर रखकर सिर्फ इतना कुक करना है कि जो बीच में सेवैये हैं वो जो है सॉफ्ट हो जानी चाहिए। सेवैया हल्की सी सॉफ्ट पड़ती हैं, जो आपको कस्टर्ड दिखाया था उसमें थोड़ा पानी या दूध डाल करके आप उसको जो है अच्छे से मिक्स कर लें ताकि उसमें कोई लम्स ना रह जाए। और यहाँ पर ला करके सेवियों के हल्के सॉफ्ट हो जाने पर चमचा हिलाते रहेंगे और बीच में जो कस्टर्ड है उसका लिक्विड डाल लीजिएगा और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको इतना पकाना है कि ये गाढ़ेपन की तरफ आ जाए, जो ये हो चुका हुआ है। चूल्हा मैंने नीचे बंद कर दिया। अब आपने इसको कम्प्लीटली ठंडा होने देना है, और देखिए इसको इतना गाढ़ा मत कीजिएगा कि बाद में ये बिल्कुल जेली की फॉर्म में आ जाए। ये ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी में होना चाहिए, देखिए इतना गाढ़ा होना चाहिए। अब इसे कम्प्लीटली ठंडा होने देते हैं और जो फिर बाकी की चीज़ें हैं वो फिर आपके सामने इसमें ऐड। कम्प्लीटली ठंडे हो जाने पर आप देख रहे हैं कि किस तरह ये थोड़ा सा थिकनेस की तरफ आ गया हुआ है। इसलिए आपसे कहा कि पकाते हुए ख्याल कीजिएगा कि ज़्यादा इसको गाढ़ा मत कर दीजिएगा। ये चला गया बीच में वनीला एसेंस, डबल क्रीम, जो पिस्ते हैं वो डाल दें, बादाम भी डाल दिए, जो कि आपके कॉकटेल है फ्रूट का वो डाल दीजिएगा, और पहले इसे अच्छी तरह चलिए। उसे मैंने रफली छुरी के साथ काट लिया हुआ है। थोड़ी सी जो है हम इसमें डाल लेते हैं, बाकी जो थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए रख लेते हैं। इसी तरह रेड वाली भी ऐड कर लें और इसे भी मिक्स कर लें। उसके बाद आप इसे गार्निश कर सकते हैं, बकाया जो जेली हो थोड़े से बादाम पिस्ते और ऊपर डाल दीजिएगा। ठंडा इसको सर्व कीजिएगा या वार्म, वो आपकी चॉइस पर है। फुल रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पर, विच इज़ cookwithfaiza.net पर। बनाइए, बताइए को कैसा लगा। दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।